हम तो पूछेंगे मैं अगले आधे घंटे डिबेट नंबर दो, मसूद अजहर से नहीं, अनुपम से डरता है पाक। अगर मैंने वीजा अप्लाई नहीं किया था तो फिर वो 17 लोगों में से 18 लोगों का जो नाम था उसमें मेरा नाम ही क्यों कटा है? झूठ बोल रहे हैं। मशहूर अभिनेता अनुपम खेर हाल ही में पद्म भूषण सम्मान मिला, लेकिन अपने अभिनय के लिए सम्मानित इस अभिनेता से पाकिस्तान को खतरा महसूस हो रहा है। अनुपम को कराची इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल के लिए वीजा नहीं मिला। हालांकि पाकिस्तान हाई कमीशन ये कह रहा है कि अनुपम खेर ने वीजा के लिए आवेदन ही नहीं किया, तो आखिर खारिज करने की बात कहां से आ गई? लेकिन पाकिस्तान के इस झूठ का पर्दाफाश फेस्टिवल के आयोजक ही कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अनुपम खेर समेत 18 नामों की लिस्ट भेजी थी, लेकिन अनुपम का नाम खारिज हो गया। वो असल में उनसे वो अप्लाई करना चाह रहे थे, उन्होंने अपनी अर्जी तैयार कर ली थी और पासपोर्ट भी तैयार था उनका, लेकिन उनसे ये कहा गया कि अभी ये बताया गया कि अभी आप अप्लाई नहीं करें, क्योंकि अभी हम नहीं देंगे वीजा। फेस्टिवल के आयोजकों का ही मानना है कि हो सकता है कि अनुपम के बयानों की वजह से उन्हें वीजा ना मिला हो, लेकिन अनुपम खेर के बयानों से डरने वाली पाकिस्तान सरकार जैसे मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर को कैसे पालती पोसती है, जरा ये भी देखिए। आतंक के खिलाफ पाकिस्तान के तमाम कसमों वादों के बावजूद पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। पेशावर के जिहादी मैगजीन अल कलाम में 26 जनवरी को उसने भारत और अपनी नवाज सरकार को चेतावनी देते हुए लिखा है कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी सेना मेरे दुश्मनों को जश्न मनाने का मौका नहीं देगी। सोचिए इस खौफनाक आतंकी को खुलेआम धमकी देने के लिए खुला छोड़ने वाली नवाज सरकार एक अभिनेता के शब्द तक नहीं सुनना चाहती है। पाकिस्तान के इस खोखलेपन के बीच हम तो पूछेंगे, क्या मसूद अजहर से ज्यादा अनुपम खेर से डरती है नवाज सरकार? तो हमारे सवाल को एक बार फिर जरा ध्यान से सुनिए कि क्या आतंकी मसूद अजहर से ज्यादा अनुपम खेर से डरती है नवाज शरीफ साहब की सरकार? अगर आपको लगता है हाँ तो IBN 7 space देकर वाई लिखिए, और नहीं के लिए IBN 7 space देकर एन लिखिए। 51818 पर SMS करें #STP और #अनुपम को इनकार से ट्वीट कर भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस डिबेट में शिरकत करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनिल बलूनी साहब जुड़े हुए हैं, RSN सिंह साहब हैं जो कि रॉ के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं, हमारे साथ अमीना सईद जुड़ रही हैं कराची पाकिस्तान से स्काइप के जरिए जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की, जो कि अनुपम खेर साहब को इनवाइट कर रही थी इस साहित्यिक फेस्टिवल में आने के लिए, और साथ में मेजर जनरल GD बख्शी साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो कि भारतीय सेना के जाने माने चेहरे रहे हैं, आजकल इंडियन डिफेंस रिव्यू और सिक्योरिटी अलर्ट मैगजीन के संपादक भी हैं। शुरुआत करूंगा 45 सेकंड के लिए सबके पास जाना चाहूंगा बारी बारी से। सबसे पहले अमीना जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस प्रोग्राम में शुरू में हम 45 सेकंड का एक बजर राउंड रखते हैं जिसमें आप 45 सेकंड तक अपनी बात कह सकती हैं, कोई भी आपको बीच में कट नहीं करेगा। अमीना जी, अनुपम खेर को पाकिस्तान का वीजा नहीं मिला, इसकी वजह क्या है, वजूहात क्या है? ये तो सही है कि उनको वीजा नहीं मिला, लेकिन इसकी वजह मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ ये बताया गया कि उनको वीजा नहीं मिलेगा, और हमने लेकिन 17 लोगों को मिल गया और उनमें से बेशतर यहाँ पहुंच चुके हैं पाकिस्तान, लेकिन मुझे नहीं पता इनको क्यों नहीं मिला, ये मुझे नहीं बताई गई वजह जी। क्या अनुपम खेर के स्टेटमेंट जो है, होल्ड कीजिए अमीना जी नहीं है, लेकिन मैं अपनी ऐसी डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं। अनिल बलूनी, पाकिस्तान एक तरफ तो ये कहता है कि अजहर मसूद खुलेआम धमकी देता है, वहां की मैगजीन में लिखता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगती, लेकिन अनुपम खेर को वीजा देने से इनकार कर देता है, क्यों, क्या लगता है आपको? देखिए सुमित जी, सच अक्सर कड़वा होता है और पाकिस्तान में इतना शायद मादा ना हो उसको सुनने का, और अनुपम खेर लगातार कश्मीर का दर्द और वहाँ के विस्थापितों का दर्द के बारे में पूरे
दोबारा से चर्चा शुरू की, लोगों को उस बारे में बताना शुरू किया और एक नई चर्चा इस बारे में शुरू की। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान को जरूर डर रहा होगा कि कहीं अनुपम खेर वो सच को जाके वहाँ बोलेंगे, इस तरह की बात बताएंगे। तो निश्चित तौर पर हो सकता है उनको कोई इस तरह का भय रहा हो, लेकिन वो सच है, सच को सुनने का मादा होना चाहिए। और जहाँ तक मसूद अजहर की बात है, देखिए वो तो जो सपोले पाले हैं, जो पैदा किए हैं अपने आप पाकिस्तान ने, वो उनको डसेंगे, उनको परेशान करेंगे, उन्हीं से डरना चाहिए असली में। ठीक है, आरएसएन सिंह साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपके हिसाब से अनुपम खेर को वीजा ना देकर क्या पाकिस्तान इस माहौल को सुधार रहा है, बिगाड़ रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है? देखिए, अनुपम खेर कश्मीरी पंडित हैं और कश्मीरी पंडित का जो इशू है वो डायरेक्ट उसका जो वास्ता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का है, इंडियन स्टेट का। तो अभी कुछ दिनों से आवाज़ उठ रही है कश्मीरी पंडितों को, जो कि बहुत पहले उठनी चाहिए थी। तो लेकिन दुख की बात ये है कि एक ऐसे इशू पे, जो कि क्योंकि मैंने बताया आपका कि पूरा जो हमारा नेशन, मॉडर्न नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो डिफाइन करता है ये कश्मीरी पंडित्स का इशू, और अगर इनको वीसा नहीं दिया जा रहा है तो एक हिंदुस्तानी होने के कारण जो 17 के 17। ठीक है, 45 सेकंड में लौटूंगा आपके पास। कश्मीरी पंडितों के विस्थापित का मामला उन्होंने जो उठाया इस वजह से, जनरल जीडी बख्शी, मेरा सवाल आपसे है, अजहर मसूद कुछ भी बोले, लगातार बोलता रहे, कुछ भी लिखे, लगातार लिखता रहे, पाकिस्तान उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा, अनुपम खेर एक कलाकार उसको आने से मना करेगा, क्या यह पाकिस्तान की दोगली नीति नहीं है? अरे साहब, बिल्कुल इसमें शक क्या है, अनुपम खेर से भी ज्यादा पाकिस्तान को डर लगता है सच से, सच्चाई से। देखिए साहब, कड़वा सत्य तो यह है कि पाकिस्तान के पाले सुपोले जो हैं, हिजबुल मुजाहिदीन इत्यादि ये कार्टून नेटवर्क्स, जिहादी नेटवर्क्स जो हैं, इन्होंने एथनिक क्लेंजिंग करी है, जेनोसाइड किया है। 3.5 लाख कश्मीरी पंडित बेचारे घर से बेघर होके पिछले कोई 26 सालों से सड़ रहे हैं आपके रिफ्यूजी कैंप्स में, दुनिया भर में कोई उनकी बात नहीं करता, और जब अनुपम खेर जैसे लोगों ने आवाज उठाई है तो पाकिस्तान उनको वहां जाने से बैन कर रहा है, यही कड़वा सच है, और सच से पाकिस्तान डरता है। बिल्कुल, मेरे साथ बाकी लोग भी जुड़े हैं पाकिस्तान से, कुछ और मेहमान जुड़ेंगे। अमीना जी, अब बजर राउंड खत्म हो गया, मैं आपसे पूछता हूं, आपको लगता है कि बीते दिनों में अनुपम खेर साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के फेवर में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के फेवर में जो स्टेटमेंट दिए हैं वो बहुत बड़ी वजह बना? उन्होंने कश्मीरों के माइग्रेशन का मामला उठाया कश्मीरियों का, इस वजह से उनको रोका जा रहा है पाकिस्तान आने से? अच्छा अच्छा, ठीक है। अमीना जी के साथ लाइन में कुछ प्रॉब्लम, हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आरएसएन सिंह साहब, मैं आपका जो बात जीडी बख्शी साहब ने कही मैं उसी से उठाता हूं, क्या आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तान इस तरीके के कदम उठा के कि 18 में से 17 को वीजा दे दिया, सिर्फ अनुपम खेर को रोक दिया, क्योंकि उनकी सोच, उनकी लाइन बहुत क्लियर है बीते कुछ महीनों के दौरान जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, ये चीजों को और खराब कर सकता है, ट्रस्ट को और खराब कर सकता है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? आरएसएन सिंह साहब से। उतनी हैरानी नहीं है जितना दुख कुछ हिंदुस्तानियों के रवैये से है। और दो बातें इसमें है, अनुपम खेर के साथ जो जो 17 लोग अभी वहां गए हैं उनमें से कई लोगों की हम जानते हैं और उनका पास्ट रेपुटेशन भी हम जानते हैं, उनमें से कोई बहुत कुछ लोग बहुत ही पाकिस्तान परस्त रहे हैं, और शायद उनको इस चीज़ की बड़ी खुशी होगी कि अनुपम खेर उस डेलीगेशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो कश्मीरी पंडितों का दर्द, इन्होंने इसको कभी का बेरी कर दिया था। ये टेलीविजन चैनलों पे बाकी ये चलाते थे कि इंडियन आर्मी वहां रिप करती है, लेकिन पंडितों का जो मुद्दा जो था वो इन्होंने बेरी कर दिया था, और ऐसे लोग उस लीगेशन के पार्ट हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं,
आज एक नजराना नजरिया पाकिस्तान नाम का एक वीडियो निकला है, ये कश्मीर सॉलिडेरिटी डे फरवरी 5 को है जी। और शायद इसी ये भी एक कारण है कि नहीं बुलाया गया है अनुपम खेर को। वो नजरिया पाकिस्तान जो है वो एक फ्रंट है जमायतुल दावा का। उस इंटरव्यू आप देखिए किसका किसका है, उसमें इंटरव्यू मसरत आलम का है, उसमें इंटरव्यू यासीन मलिक का है, उसमें इंटरव्यू अंद्रबी का है और कई लोगों का है। और आपको मालूम है बिल्कुल कि उस वीडियो में क्या दिखाया गया है कि इंडियन पार्लियामेंट का एक्सप्लोजन आवाज के साथ दिखाया जा रहा है उसमें। तो साहब मुझे कि पाकिस्तान से हैरानी नहीं है, मैं पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन आप लोग फिर बोलेंगे कि यही लोग कल आएंगे आपके यहां और बोलेंगे ये एंटी नेशनल का क्या डिबेट होता है। तो ये एंटी नेशनल नहीं है तो आप बताइए फिर एंटी नेशनल किसको बोलते हैं। ब्रिगेडियर जावेद हुसैन पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ है। ब्रिगेडियर जावेद हुसैन जवाब दीजिए इन बातों का, नजरिया पाकिस्तान में किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है भारत के खिलाफ। देखिये मुझे तो मैं इसका इल्म नहीं है कि ये अनुपम खेर साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया है कश्मीर में, कश्मीर के बारे में, मगर ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो भी चीज है जो समझा जा रहा है कि उस स्टेटमेंट के वजह से उनको वीजा नहीं मिला है, ये अगर आप मुझसे कल सुबह चेक करें, मैं जानता हूँ इनको ये जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये लिटरेचर फेस्टिवल हेडेड बाय अमीना सैयद मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कल सुबह अगर आप मुझसे चेक करें तो मैं आपको बिल्कुल आप मुझे आप बता सकूंगा। जावेद हुसैन साहब आप ये तो बता ही सकते हैं कि आपने 18 में से 17 को वीजा दे दिया, अनुपम खेर को नहीं दिया, इस बारे में अगर आपके पास अपडेट नहीं है तो मत बताइए। लेकिन नजरिया पाकिस्तान जिस तरीके का वीडियो दिखा रहा है, जो बात अभी हमारे एक्सपर्ट ने कही, फॉर्मर रॉ के ऑफिसर ने आरएसएन सिंह साहब ने, जहां पर इंडियन पार्लियामेंट को ब्लास्ट होते हुए दिखाया जा रहा है, ये तरीका है भारत पाकिस्तान की बातचीत को, दोस्ती को आगे बढ़ाने का? कहां दिखाया जा रहा है? आई एम नॉट इन पिक्चर, मैं समझा नहीं हूं कहां दिखाया जा रहा है। नजरिया पाकिस्तान यूट्यूब पे ये वीडियो है पे। आरएसएन सिंह साहब बताइए आप कहां दिखाया जा रहा है? ये YouTube पर वीडियो है, इट इज अ फ्रंट फॉर जमायतुल दावा। उसमें हाफिज सईद का इंटरव्यू चल रहा है, उसमें तमाम लोगों का और यहाँ जो हमारे कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर्स है उनका इंटरव्यू चल रहा है। वो यू कैन जस्ट गूगल इट एंड सी इट फॉर योरसेल्फ। ये मेरे ख्याल में कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नहीं होगा, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ये बहुत सीरियस है। मैं यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से मिला हूँ, सीरियस है अबाउट डेवलपिंग रिलेशनशिप विद इंडिया। और इसमें ब्रिगेडियर साहब जस्ट फॉर वन मिनट आई वॉन्ट टू कम जी। सिंह साहब बोलिए। देखिए ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान स्टेट का कुछ लेना देना नहीं है। अभी पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 60 ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया था, जिसमें एक जमायतुल दावा भी है, उसको टेलीविजन पे ना दिखाने के लिए उसको उसके वायलेशन उसको ब्रेजन वे में वायलेट करते हुए इनका एक चैनल है चैनल 24 जिसमें कि इंटरव्यू हफीज सईद को दिखाया जा रहा है और उनकी तारीफें की जा रही हैं। तो पाकिस्तान स्टेट का कॉम्प्लिसिटी के बारे में ना बोले तो अच्छी बात होगी। बिल्कुल अमीना जी मैं आता हूं आपके पास, अनिल बलूनी आपके पास। अनुपम खेर से कुछ देर पहले हमने बातचीत की और अनुपम खेर से मैंने सीधे तौर पर पूछा कि आपको क्या लगता है आखिरकार ये वीजा आपको क्यों नहीं दिया गया, सुनते हैं जी। देखिए मुझे इस बात का दुख हुआ, बट जब मुझे खबर मिली तब मैं फ्लाइट में था, ऑलरेडी लेने वाला था और यहाँ आके फिर मीडिया वालों ने मुझसे पूछा और फिर मुझे पता लगा कि पाकिस्तान हाई कमीशन कह रहा है कि मैंने अप्लाई नहीं किया था, तो फिर मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया और तकलीफ़ भी हुई और परेशानी भी हुई, क्योंकि जो वो बोल रहे थे वो थोड़ा सा मुझे लगा कि झूठ की तरफ ज़्यादा था, क्योंकि अप्लाई नहीं करना था। इनमें से 18 लोगों में से किसी ने कोई ऐसा नहीं है कि 20 दिन पहले अप्लाई किया हुआ है। सबको ये हिदायत दी गई थी कि आपका जब क्लियरेंस आ जाएगा तब आप अपने पेपर लेकर हाई कमीशन में जाइए
और उन सब लोगों के नाम भी भेजे गए थे जो मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ के सुनाए, और जैसे वो होगा और आपको एक दिन के अंदर वीज़ा आपकी स्टैंप लग जाएगी। सो वो हुआ नहीं जी। तो आपको क्या लगता है कि आपको टारगेट किया गया अनुपम खेर? बड़ा मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना कि मुझे ही क्यों टारगेट किया गया, क्योंकि इसका असली जवाब तो वही दे पाएंगे। बट अमीना जो डायरेक्टर हैं कराची लिट फेस्टिवल की, जब उन्होंने अभी एक इंटरव्यू में मेरे से, वो पाकिस्तान से कराची से बात कर रही थी, जब उन्होंने मुझसे बात की तो उनसे एंकर ने पूछा था कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ने उनसे कहा कि मैं कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस के बारे में बहुत बात करता हूँ और मेरा पाकिस्तान के खिलाफ एक स्टैंड है, तो शायद इसलिए नहीं दिया है। बट उसके मैं बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो हर हिंदुस्तानी का स्टैंड है कि हमारे देश में जितने भी टेररिज्म के एक्ट हुए हैं, चाहे वो 26/11 हो, चाहे वो पठानकोट हो, चाहे वो कश्मीर में कितने लोगों को मारा जाए, वो कहाँ से वो टेररिस्ट आ रही है पूरी दुनिया जानती है जी। अमीना जी, मैं आपसे पूछूंगा, एक तरफ हिंदुस्तान में गुलाम अली साहब आते हैं, न जाने कितने कलाकारों को हिंदुस्तान में पनाह मिली हुई है और उनको अच्छे खासा बिजनेस कर रहे हैं यहाँ से, और अनुपम खेर के बारे में इस तरह की राय, ऐसा क्यों पाकिस्तान में? देखिए, मुझे कोई वजह नहीं बताई, इसलिए मुझे नहीं पता कि क्या वजह है, लेकिन मैं सिर्फ ये मैं कह अभी आपने बताया, अनुपम खेर ने बोला, अनुपम खेर ने बोला कि आपने उनको किसी और चैनल पे कहा इस बात को, क्योंकि वो कश्मीरी पंडितों का मामला उठाते हैं इसलिए उनका वीजा रोका गया। अमीना जी, आपने खुद अनुपम खेर को बोला है, अनुपम खेर ने अभी बताया हमको? जी, मैंने खुद बुलाया था, उन्होंने बहुत उनके और आपने प्रोग्राम के आपने अनुपम खेर को एक शो में ये भी बोला, अमीना जी आपने अनुपम खेर को, अनुपम खेर को आपने ये भी बोला, 16 लोगों को मिल गया। अमीना जी एक मिनट, आपने अनुपम खेर को किसी और शो में बोला क्योंकि आप कश्मीरी माइग्रेंट्स का इशू उठाते हैं इसलिए आपको वीजा नहीं दिया जा रहा है, ऐसी जानकारी आपको पाकिस्तान की हुकूमत से मिली थी क्या? जी नहीं मिली थी, ऐसी कोई जानकारी नहीं। आपने ये बात बोली है, अनुपम खेर ने अभी हमको बताया, आपने सुना होगा? नहीं, मुझे तो उन्होंने इसका कोई जिक्र नहीं किया कि क्यों नहीं दे रहे वीजा, सिर्फ ये कहा कि हम नहीं दे सकते, इनको वीजा नहीं देंगे। अच्छा, हमें उन्होंने हमें नहीं बताई क्या वजह थी, मुझे इस बात का कोई, इसका कोई, आप चाहती थी अनुपम खेर आए? आप चाहती थी? मुझे नहीं पता क्यों नहीं वीजा दिया। आप चाहती है अनुपम खेर वहां आए? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि वो आए, और मैं अक्टूबर में मैंने उनको बुलाया था कि तशरीफ लाएं आप, और उनने हमारा दावतनामा कबूल कर लिया था, लेकिन फिर जब इत्तेफाक से मैंने तो ऐलान भी कर दिया था यहाँ कराची में, बिल्कुल वो आ रहे हैं, उनके हमने दो सेशन रखे हैं, एक सेशन का नाम है कुछ भी हो सकता है और एक और सेशन है फ्रॉम लाइफ टू रील, उनके दो सेशन थे, अब वो हमें कैंसिल करने पड़ेंगे, लेकिन हम तो चाह रहे हैं कि वो आए, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि क्या वजह है कि उनको वीजा नहीं दिया। एक 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 सवाल का जवाब जरूर दीजिए आप अमीना जी, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आपको लगता है कि पाकिस्तान की हुकूमत अनुपम खेर के स्टैंड से डरती है कि अनुपम खेर वहां आके अपनी बातों को ना दोहरा दे? नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं डरती, अगर वो यहाँ आके बेशक दोहराए, यहाँ तो बिल्कुल फ्री, तो वीजा क्यों नहीं दिया? यहाँ मीडिया बिल्कुल फ्री है, तो वीजा क्यों नहीं दिया? लेकिन जाहिर है यहाँ भी उनसे भी सवाल जवाब किए जाएंगे, वो जो भी बात करेंगे, तो हो सकता है कोई उनको उस बात को, तो वीजा क्यों नहीं दिया, पसे मंजर बताएंगे, तो वीजा क्यों नहीं दिया? अमीना जी, वीजा क्यों नहीं दिया? अगर नहीं डरती है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है वहां पे, तो वहां पे तो तमाम टेररिस्ट एक्टिविटीज को लेके खबरें तो छपती नहीं है आपके यहाँ, उस पर रोक लगा रखी है आपके इंस्टीट्यूट ने। देखिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज का आप जिक्र कर रहे हैं, वो जो हमारी बादशाह खान यूनिवर्सिटी पे हमला हो गया, तो सबसे ज्यादा तो हम सफा कर रहे हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज से, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम मतलब ये उनको सफा कर रहे हैं, तो ये इसका हुकूमत भी कोशिश कर रही है किसी का रोके, बहुत बड़ा एक यहाँ स्ट्रगल हो रहा है। अनिल बलूनी कुछ बोल रहे हैं आपकी बात पे, अनिल बलूनी, अनिल जी देखिए सुमित जी, मेरा जो पाकिस्तान के मित्र जो जुड़े उनसे भी कहना है, वो भी अपनी सरकार पर दबाव बनाए कि अनुपम खेर एक कलाकार है, उनसे कोई नुकसान नहीं होगा, अगर असल में नुकसान होगा तो मसूद अजहर से होगा, हाफिज सईद से होगा, लखवी से होगा, पाकिस्तान को खतरा इन्हीं लोगों से है, अनुपम खेर से पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है। मसूद अजहर से ज्यादा अनुपम खेर से डरती है नवाज
शरीफ की सरकार? तो जवाब मेरे पास ट्विटर पे आए हैं 79%, 79% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 21% लोग ना में जवाब देते हैं। तो हम तो पूछेंगे मेरे साथ अभी फिलहाल इतना ही।